आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रहस्य भक्ताई के। माँ भगवती भवतारिणी माँ काली आप सभी का कल्याण करें। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक बहुत खास विषय पर वीडियो लेकर। विषय मेरी सबसे प्रिय देवी जो हमारी कुल देवी भी है और जगत की माँ है। आज का वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में मैं आपको उस देवी का वो भेद बताने वाला हूँ जो आपको कहीं भी इंटरनेट ना यूट्यूब पर मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको माई का मंत्र भी बताने वाला हूँ जो सभी कार्य को करने में सक्षम है। तो वीडियो का विषय है हरियाणा की शेरनी यानी माता धूतनी यानी कि पाथरी वाली माई के विषय में। आगे वीडियो में मैं आपको माई के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, जैसे माता का नाम धूतनी कैसे पड़ा, माता के प्राकट्य से जुड़ी कथा, इनके साथ कौन कौन सी शक्तियाँ इनके जोड़े में चलती हैं, इनके प्रथम भगत कौन हुए, किसके शीश पर सबसे पहले माई खेली सवारी के रूप में, माता का भोग प्रसाद क्या है, वह इनके गुरु कौन हुए और इनके चमत्कारों की लीलाओं का वर्णन भी करने की कोशिश करूँगा। और सबसे मुख्य बात जिसे लेकर काफ़ी श्रद्धालु मेरे पास चौकी पर आते हैं वो है कि इनके पूजा पाठ की विधि व व्रत व मुख्य दिन इनका कौन सा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आइए जानते हैं कि माता की प्राकट्य की कथा क्या है। माता पाथरी वाली पाथर गांव में सोहन गुजर के घर जन्मी। पंडित जी के कहने पर माता को कुएं में गिरा दिया गया और पंडित जी ने जब माता को पहली बार देखा और कहा कि ये कन्या सामान्य कन्या नहीं है, ये सर्वनाश करने के लिए पैदा हुई है, इसे कुएं में गिरा दो एक मटके में बंद करके। सोहन गुजर ने वैसा ही किया और माता को एक मटके में बंद करके कुएं में डाल दिया। तभी वहां से नागे गुरु का निकलना हुआ। नागे गुरु ने माता को कुएं से निकाला और जैसा हम सब जानते हैं नागे गुरु ने माता को एक डिबिया में बंद करके शीश पर रखा था। जिस समय नागे गुरु ने माता को कुएं से निकाला वह तभी समझ गए थे कि माता आदिशक्ति का रूप है, तभी उन्होंने माता को शीश पर रखा और माता के गुरु बने। खुद नागे गुरु ने वरदान देते हुए कहा था कि मुझसे पहले तेरी पूजा होगी और तेरा प्रसाद पहले चढ़ाया जाएगा। तो हमें इसी बात से समझ जाना चाहिए कि माता की शक्ति क्या है। 10 महाविद्याओं में से किस देवी का अंश है माता धूतनी, ये फिर कभी बताऊंगा। एक कथा और प्रचलित है माता के प्रकट्य के बारे में और विद्वानों व गुरुओं द्वारा बताया जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों से 9 देवियों की स्थापना कराई गई, उनमें से पाथरी वाली माता एक है। यही वो देवी है जो श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन के रथ में बैठी थी। इनका नाम पारद देवी है और यहाँ बताना चाहूँगा काफ़ी भगत इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि माता का असली नाम क्या है। तो श्री कृष्ण जी के साथ रथ में आगे सवार होने पर इनका नाम पारथ पड़ा। आइए आगे बात करते हैं माता के जोड़े में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ माता के पराकट्य की दोनों कथाएँ जो कि प्रचलित हैं। इनके जोड़े में मुख्यतः माई मैदानन गुड़गांव की मसानी, 5 बावरी व ना जाने कितनी ही शक्तियां माता के जोड़े में चलती है। वैसे माता धूतनी सर्वशक्तिशाली है और किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। माता गुड़गांव की मसानी और माता धूतनी के जोड़े की जोत लगाई जाती है जिस घर में ये दोनों देवियां पूजती हो। अब बात करते हैं इनके प्रथम भगत जिसका नाम हम सभी जानते हैं जो है नथु भगत।
नथु भगत एक साधारण इंसान था जिसका काम पशुपालन का था और वह नागे गुरु की सेवा में भी हाजिर रहता था। नागे गुरु उसकी सेवा से खुश थे और उन्होंने नथु को कहा था कि जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगा तब तुझे कुछ देकर जाऊँगा। वही जब नागे गुरु वहाँ से गए तो वो धोने की राख में वो डिबिया छोड़ गए। नथु को वह डिबिया मिली और उन्होंने खोला। खोलते ही माता धूतनी सामने प्रकट हुई और कहा, डर मत, मैं तुझे बख्श दूंगी, तो मुझे भोग में क्या देगा। उसने कहा, मैं एक गरीब पशुपालन करने वाला इंसान हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब माँ ने कहा कि मुझे रोज एक पशु देना होगा बलि स्वरूप। दोनों के वचन हो गए। एक एक करके सारे पशु खत्म होने लगे। तब मजबूर होकर नथु भगत अपने बेटे की बलि देने चला। तब माँ उसकी निष्ठा और भक्ति भाव को देखकर खुश हुई और कहा कि पूरब में जा और वहाँ से पशु ले आ। वो बोला, माँ मैं कैसे लाऊं। तब माँ ने कहा, जा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा ही किया। जिनके पशु थे वो पशुओं के पैर के निशान देखकर नथु के घर तक आ गए और वो डर गया और कहा, अब मैं चोर बन जाऊंगा। माँ ने चमत्कार दिखाया और सारे पशु चितकबरे रंग के कर दिए। यह देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि जिनके वह पशु थे उनके जानवरों में एक पशु चितकबरे रंग का था और यही उनके पशुओं की पहचान थी। नथु के सामने कह रहे थे कि चितकबरे रंग का पशु है हमारा, जो तुम ले आए हो। तो प्रथम भक्त नथु भक्त हुए। नथु और भक्तु भगत माता के मुख्य भक्तों में आते हैं। यहाँ आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि नथु भगत ने जिस दिन वह डिबिया खोली थी उस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष मास का प्रथम बुधवार था। तभी से इस दिन को माता का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में मेला लगता है। एक बात जो विशेष है, माता धूतनी कभी नथु के शीश पर नहीं खेली। माता सर्वप्रथम सिंगाजाट के शीश खेली थी और माता का जो मंदिर है वो भी सिंगाजाट के शीश आकर माता धूतनी ने एक दुखिया को पर्चा दिया था, तब वह मंदिर बना था। वो कथा बहुत लंबी है, उस पर ना जाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर उस कथा का विवरण किसी और वीडियो में किसी और दिन दिया जाएगा आप सभी को। सिंगाजाट के अलावा दो भगत और थे जिन पर माता का विशेष आशीर्वाद था। वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो चुकी है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस भगत ने माँ को चूड़ियाँ पहनाई और किस ने फूल अर्पण किए। आइए बात करते हैं अब इनकी पूजा विधि व इनके चमत्कारों के बारे में। मैं मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला हूँ और बचपन से माता के बारे में एक बात सुनता आ रहा हूँ कि माता धूतनी 250 कोस आगे 250 कोस पीछे का जादू बांध कर चलती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो चौक चौराहे मरघट खिदर जिंद भूत प्रेत व मुस्लिम इल्म को चुटकियों में ख़त्म कर देती है। जेठ के महीने में माता को स्नान कराने का विशेष महत्व है। वैसे तो माता धूतनी को उग्र व प्रचंड शक्ति के रूप में दुनिया जानती है, लेकिन माँ का सौम्य स्वरूप एक छोटी कन्या के रूप में है। माता तामसिक भोग यानी बलि लेती है, लेकिन इनका सात्विक प्रसाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बलि। सात्विक भोग में माता पूड़े पापड़े गुलगुले मीठे व 5 लड्डू लेती है। माता दूध के साथ चलती है, यानी कि बहन बेटी के साथ। शादी के बाद ये उनकी सुरक्षा के लिए अगले घर जाती है और वहाँ पूजती है, यानी कि बहन बेटी की ससुराल में। बुधवार माता का मुख्य दिन है। पाथरी गांव में माता के मंदिर पर आषाढ़ व चैत्र में मेला भी लगाया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से इनके दर्शन को आते हैं। माता के यहाँ गठजोड़े की जात भी लगाई जाती है व बच्चों के बाल भी उतरवाए जाते हैं। यहाँ जिंदा मेंढा भी छोड़ा जाता है। अति शीघ्र प्रसन्न होकर फल देने वाली इस आदिशक्ति के बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है।
विशेष रूप से माता दूतनी, यह पुत्र फल देने में यानी कि पुत्र संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ बहुत मनोकामनाएं व मन्नत मांग कर जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण भी होती है। तो विशेष रूप से माता को पुत्र देने के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो माता दूतनी के चमत्कारों की कतार बहुत है, लेकिन कुछ चमत्कार जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं उनको अपने साथ साझा करना चाहूंगा। वैसे तो इसके चमत्कारों की ना जाने कितनी ही कथा है, लेकिन यहाँ मैं कुछ अपने आंखों देखे चमत्कारों का वर्णन करना चाहता हूँ आप सबके साथ। मेरे मित्र के घर माता की मान्यता है, उन्होंने अपनी बहन की शादी की और सामने वाले को बताया कि माता दूतनी हमारे घर में पूछती है और लड़की के साथ जाएगी। तभी जोश में आकर उस लड़की के जेठ ने बोला, मैं अपने आप देख लूँगा। ऐसी माता खूब देखी है मैंने, वो भगत था, अभी भी है। शादी हुई, माता वहाँ गई, वो लड़की गर्भवती हुई, परंतु उसे गर्भवती हुए 10 महीने से भी अधिक हो गए, परंतु बच्चा पैदा ना हो रहा था। ना वो सोए ना वो खाए, बस मुस्कुराते रहे। उन भगत जी ने जो लड़की के जेठ थे, उन्होंने कुछ करतब किया तारबुजा देखकर। हम भी वहां पहुंचे तो इतनी ही देर में माता दूतनी उस लड़की में प्रवेश कर गई और बोली कि तूने क्या कहा था भगत, ऐसी बहुत देखी है, ले मैं दूतनी हूं और तेरे से जो होता हो वो कर ले और पूजूंगी, तभी बालक होगा। वह भगत घमंडी था, उसने वहां अपशब्द कहने शुरू किए। माई ने उसे एक छोटा सा झटका दिखाया, उसके लड़के को रातों रात दौरा पड़ा और मानसिक रूप से लाचार हो गया। तब उस लड़की के भाई ने यानी मेरे मित्र ने माता का नाम लेकर हाथ पल्ला किया अपनी बहन पर और हाथ जोड़ी करके मिन्नत करके माई को मनाया। तब कहीं माई शांत हुई और उस भगत को भी समझाया। उस भगत ने गलती मांगी, आज वो लड़की 2 बेटों की माँ है। उस भगत ने भी महामाई को पूजा और उसका लड़का ठीक हुआ। माँ की लीला अपरंपार है। एक हरियाणा का किस्सा काफ़ी मशहूर है जो आप सभी के साथ बहुत ज़रूरी है साझा करना, क्योंकि किस्सा बहुत ही मशहूर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी उस चमत्कार का पता हो। जब श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तब वह एक बार गए थे गोहाना क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्रफल के आसपास ही। तब वहां जाकर उनका हेलीकॉप्टर तकनीकी रूप से खराब हो गया था। वहां उन्होंने सभी के बीच माता दूतनी का प्रसाद कबूल किया, तभी हेलीकॉप्टर चालू हुआ। ये विश्वविख्यात किस्सा कह सकते हैं आप, तो आप खुद ही समझदार है कि माता की लीला क्या है और कैसी है, कितनी अपरंपार है। मैं तो बखान करता करता नहीं थकूंगा इनका। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अंत में मैं अपने वादे के अनुसार मैं आपको माता पाथरी वाली का वो मंत्र बताने जा रहा हूँ जो सभी कार्य को करने में सक्षम है। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता और जो पूजा विधि या मंत्र बताई जाती है वो केवल जानकारी हेतु होती है, बिना किसी गुरु के सानिध्य में कोई भी क्रिया ना करे अन्यथा आप खुद जिम्मेदार होंगे। मंत्र की बात करते हैं आइए, तो मंत्र इस प्रकार है, 8 घाट की लाकड़ी नीलमणि के बाण, आओ माता दूतनी हनुमान जति के आन। मेरा चले मंत्र फुरोवाचा, पिंड काचा मेरे गुरु का सब साचा, देखो माता दूतनी तेरे इलम का तमाशा, मेरी हुंकारी मेरी पुचकारी, मेरा कार्य सिद्ध ना करे तो, नागे गुरु की आन कृष्ण भगवान की आन सत्यनाम आदेश करो। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, 8 घाट की लाकड़ी नीलमणि के बाण, आओ माता दूतनी हनुमान जति की आन। मेरा चले मंत्र फुरोवाचा, पिंड काचा मेरे गुरु का सब साचा, देखो माता दूतनी तेरे इलम का तमाशा,
मेरी हुंकारी मेरी पुचकारी मेरा कार्य सिद्ध ना करे तो नागे गुरु की आन कृष्ण भगवान की आन सत्य नाम आदेश गुरु। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जिस मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए उतना ही प्यार आप इस वीडियो को देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।